गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ एक लेटेस्ट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। अभी जैसा कि मैंने दोपहर के टाइम आपके साथ एक शेयर की वीडियो, प्रोटेक्ट एग्जाम्स कैसे होते हैं ऑनलाइन, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो सारी आपको मैं पूरी विस्तृत से जानकारी दूंगा और क्या नोटिस आया है हमारी यूनिवर्सिटी का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो कि सुबह मैंने मॉर्निंग में बताया कि जून में जो स्टार्ट होने वाले हैं और इवन सेमेस्टर के उनके एग्ज़ाम्स कैसे होने वाले हैं, तो उसमें आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि क्या बात चल रही है, क्या डिसीजन आ रहा है, उसके बारे में मैं पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी डिटेल वीडियो को ध्यान से समझें, तो आपके बेनिफिशियल के लिए बीइंग ए टीचर आपको मैं गाइड कर सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम कैसे होना है। प्रोटेक्ट एग्ज़ाम्स क्यों लिया जा रहा है, पिछले बार एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से जब लिए गए थे तो काफ़ी ज़्यादा चेकिंग के दौरान दिक्कत आई हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स को और रिजल्ट्स बनाते हुए उनको दिक्कत आई, लगा कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर रखी है। तो अब ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं वेबएक्स से या फिर प्रोटेक्ट एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, इमेज जिसे बोलते हैं, उसमें क्या रहता है आपके सामने, आपने क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। जैसे अब मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शूट करके यूट्यूब में डालता हूं, तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड के सामने बैठा हूं और ये वीडियोस बोल रहा हूं, तो जैसे मैं आप इसलिए इशारे कर रहा हूं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से वेब कैमरा द्वारा या आपके मोबाइल के कैमरा के द्वारा जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे तो आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो कैप्चर होंगी। तो अगर आप इधर से उधर जैसे देखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो इमेज है वो उसमें कैप्चर हो जाएगी, और अगर उन्हें लगेगा कि स्टूडेंट ने इधर से उधर मूवमेंट की है तो उसमें चीटिंग का केस बनाने की दिक्कत है। तो आप जैसे अब इसमें करना कैसे, मैं आपको स्टार्टिंग से बताने लग रहा हूँ। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, स्लॉट्स आएंगे, तो आपने डाउनलोड कर लेना एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपने आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि ये मेरा अपना आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर पहले शो करूँगा कैमरा के सामने जिससे कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए, और उसके बाद फिर एक बार शीट जो है आपने आंसर शीट को भी इसी तरीके से डिस्प्ले कर देना है, और उसके बाद आपने पेपर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद की मैं बात प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद आपने मोबाइल को लॉग इन करने का ऑफ नहीं करना है, आपने डाटा पे जाना है, सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग के बाद आपने डाटा सेटिंग पे जाना है, और डाटा सेटिंग में जाकर जिस सिम से आप मोबाइल का डाटा यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपके जैसे 4G होगा या 3G होगा, तो वहाँ पर सेटिंग में जाकर आपने सिलेक्ट करना है 2G। 2G सिलेक्ट इसलिए करना है कि 2G से जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे रूरल एरिया के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर क्या होगी कि इमेज जो है वो ग्रे कलर में जाएगी, तो उसमें उनको नहीं पता लगेगा कि आप इसमें मोशन में क्या कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप वीडियो को बंद कर देंगे, जैसे कि मैं कैमरे के आगे अगर ये ऐसे रख देता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्लैक हो गया है, तो अगर आप उस तरीके से कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी, और अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है तो आपके ऊपर चीटिंग का केस बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है कि मैं बीइंग ए टीचर मैं आपके साथ यही बात कहूँगा, पहले तो अपनी प्रिपरेशंस को अच्छी तरह ध्यान दें, जितना भी सिलेबस कराया गया है उनको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करें, और उसके बाद जैसे कि ये सेटिंग मैंने आपको बताई है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने डाली हुई है लेकिन मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद ये सेटिंग बताई आपको कि आपने सिर्फ डाटा के अंदर चेंजेस करने हैं, आपने क्या करना है, आपने 2G कर देना है उसके अंदर और फिर वापस आ जाना है, और क्योंकि आपने जो लाइव सेशन है वो चलता रहना है, जब आप एक बार लॉग इन कर लोगे तो आप उसके बाद उस बीच में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, अगर डिसकंटिन्यू कर जाते हैं तो आपकी जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, और चीटिंग के मूवमेंट्स की अगर कैप्चरिंग होती है, अगर ज़्यादा आप दाएं बाएं देखते हो, आपकी नज़र इधर से उधर जा रही है, तो अगर उसमें कैप्चरिंग आती है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये कैसी लगी वीडियो आपने शेयर करनी, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको मैं इशू जो है क्या SOP आई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इमेज प्रोटेक्ट क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहीं पर ही मैं ये बात करता हूँ, और जिन जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें educate.com, और आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू डियर चैनल व्यूअर्स। अब सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं, इमेज प्रोटेक्टिंग इज़ ए टाइप ऑफ ऑनलाइन
illustration that helps you to get the candidate image when the test is being attempted. Live image of the candidate are taken at a regular interval through their system web and the system report if the candidate had used any unfair means to take the test. तो ये इसकी परिभाषा है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपके वेब कैमरे के साथ अटैच हो जाएगा, जो कैमरा आप फ्रंट कैमरे से जो कर रहे हैं, तो जैसे भी मैंने वीडियो के साथ बना के बताई, तो उसमें क्या रहेगी कि वो बीच बीच में आपकी लाइव इमेज कैप्चर करेगा और लाइव इमेज कैप्चर करने के बाद उसकी चेकिंग होगी। अगर वो उनको कहीं लगता है कि आप मोशन में हैं, इधर उधर आप देख रहे हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन है इधर सही नहीं है, तो आपको इसकी दिक्कत आ सकती है, आपके ऊपर अनफेयर मीन का केस बन सकता है। तो अब मैं लिए चलता हूँ आपको प्यारे बच्चों वहीं पर जहाँ पर हम SOP जो है वो हम अभी देखेंगे कि क्या आया है। SOP फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम्स फॉर स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर मैंने पहले से ही इमेज ये कैप्चर करी हुई है, आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है। पूरी डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम्स विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 7 जून, ये जो मतलब ये हमारी UICT के पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, और जो आप लोगों के पेपर है वो 28 जून से होने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वेब लिंक्स, ये लिंक्स दिए हुए हैं। 10 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम, 10 मिनट पहले जो डेट शीट आएगी उसके 10 मिनट पहले आपने पेपर इसमें डाउनलोड करना है। स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन द विद द रोल नंबर इन ए क्वेक्स वेब एक्स 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम, आपने 15 मिनट पहले इसमें वेब एक्स 15 से आपने इसमें ज्वाइन कर लेना है। स्विच ऑन द कैमरा टिल द सबमिशन ऑफ आंसर, मतलब आपने कैमरे को स्विच ऑन रखना है जब तक आपका पेपर सबमिट नहीं हो जाता, चौथा पॉइंट। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहता है आंसर शीट एंड द फाइल नंबर शुड बी बिलो क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट PDF। ईच सब्जेक्ट टीचर विल क्रिएट ए गूगल क्लासरूम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द गूगल क्लासरूम फॉर ईच सब्जेक्ट। तो जो टीचर है आपका इन्वेस्टर है तो वो आपके लिए गूगल क्लासरूम क्रिएट करेगा हर सब्जेक्ट के लिए, और उसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, तो आपने उसमें ज्वाइन करना है। स्टूडेंट कैन अपलोड आंसर शीट टू द गूगल क्लासरूम क्रिएटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। मीटिंग विल बी लॉक्ड बाय द होस्ट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे ही मीटिंग जो है वो लॉक हो जाएगी उसके बाद आप 5 मिनट, जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें लॉग इन नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। इफ़ स्टूडेंट ड्यू टू एनी रीजन गेट लॉग आउट, ही और शी कैन कॉल द इन्वेस्टिगेशन टीचर टू अलाउ हिम टू ज्वाइन इमीडिएटली। तो अगर बाई चांस आपके मोबाइल में नेटवर्किंग में कोई दिक्कत आ गई है और अगर आपको कोई दिक्कत के कारण लॉग आउट हो गए हो, तो तुरंत आपने उनको मैसेज करना है, साइड में चैट करना है, उनको ईमेल करना है और तुरंत आपने ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। 10th पॉइंट में कहते हैं स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट द आंसर शीट इन एज ए सिंगल PDF फाइल विदिन 15 मिनट फ्रॉम द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपने जो आंसर शीट करनी है उसके बाद तुरंत उसके PDF बनानी है, सिंगल PDF बनाकर 15 मिनट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें जो है आपने उसमें सबमिट कर देनी। बाकी ये फॉलोइंग लिंक्स हैं, तो ये पूरी की पूरी SOP थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस करी, और मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ ये शेयर किया कि किस तरीके से प्रोटेक्ट कैमरा जो इमेज कैप्चरिंग है उसके अंदर आपने क्या ध्यान रखते हुए अपनी जो है पेपर को करना है। तो मैं प्यारे बच्चों आपसे यही करूँगा कि सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन करें, एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम्स की तरह लें, और जितनी भी प्रिपरेशन है उसको ध्यान से करने की कोशिश करें, और कोशिश ये रखें कि अनफेयर मीन ना यूज़ किए जाए एग्ज़ाम्स के दौरान। तो बीइंग ए टीचर मैं आपसे यही गाइड करूँगा, और उसका सोल्यूशन भी बताया कि आप उसको किस तरीके से सेटिंग द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे बच्चों, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स, अपने जितने भी दोस्त हैं जो पेपर में अभी अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो JNDU का पेपर है, चाहे PTU का पेपर है, चाहे वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ये आप इसमें पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल educate.com।